हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी नॉलेज। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। देखते हैं ये तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। सो दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं इसका टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों, तरंगाग्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फॉर्म। ओके, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण कंपन की समान कला में होता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं देखिए। अब हम देखेंगे तरंगाग्र। पहला है आपका समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र क्या होता है, यदि तरंगें किसी एक दिशा में संचरित हो रही हैं तो उसके लंबवत खींचे गए पृष्ठ को समतल तरंगाग्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इसका डायग्राम भी प्रोवाइड किया है। देखिए कुछ ऐसा होता है इसका, जो यदि तरंगें एक दिशा में संचरित होती हैं, जैसे ये आपकी दिखाई गई हैं, एक दिशा में संचरित हो रही हैं तो हो रही हैं, तो इसके लंबवत जो पृष्ठ हमारा होता है वो समतल तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, दूसरा है आपका ये देखिए गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, यदि तरंगें किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लंबवत खींचे गए पृष्ठ को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम ने ये किया है, जैसे कोई प्रकाश है, यहाँ से हमारी वेव्स निकल रही हैं, तो जो इसके समांतर हम ये खींचेंगे तो ये हो जाएगा गोलीय तरंगाग्र। ठीक है दोस्तों, तीसरा है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, यदि तरंगें किसी रेखीय वस्तु रेखीय तंतु से उत्पन्न हो रही हैं तो उसके लंबवत खींचा गया तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र कैसा होता है देखिए, कुछ ऐसा होता है, जैसे कि ये कोई तंतु है, इससे हमारा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो जो इसके हम इसके लंबवत जो हम पृष्ठ खींचेंगे वो बेलनाकार तरंगाग्र होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये तीनों के डायग्राम बनाए हुए हैं। देखिए ये हमारा समतल तरंगाग्र है, ये हमारा बेलनाकार तरंगाग्र है, ये हमारा गोलीय तरंगाग्र है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए और आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, मैं आपको ये पूरा नोट्स करा दूँगा जो मैंने ये तैयार किया है, और धीरे धीरे आपका सब टॉपिक क्लियर कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ यही टॉपिक। अगले टॉपिक में अगले हम देखेंगे अगले भाग में। ओके, थैंक यू।